मुखर रहते हैं और मौलाना साध को लेकर जो अभी तक छिपा हुआ है, जिसकी अभी तक नई लोकेशन प्रेस हो पा रही है कि आखिर वो है कहाँ, उसके अब देशद्रोह का मुकदमा चले, इस तरीके की मांग उठ रही है और ये मांग जायज भी है क्योंकि इसने गद्दारी की है इस मुल्क से। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। मौलाना साध से जुड़ी हुई जो अब तक फरार है, देखिए किस तरह से पहले कहते थे कि आइए मस्जिद में नमाज पढ़िए, एक साथ रहिए, कुछ नहीं होगा, कोरोना को हम दूर भगा देंगे। लेकिन अब खुद कोरोना के बहाने वो फरार हैं, छुट्टी पर हैं। लेकिन अभी वसीम रिजवी ने कहा है साफ तौर पर कि देश